please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सारे होम्स का नाम पहले जहां घर के सपने दिखाने के लिए जाना जाता था, आज वहीं सारे होम्स धोखाधड़ी और फ्रॉड के लिए जाना जाता है। होम बायर्स तो छोड़िए, सारे होम्स के एक्स एम्प्लॉय भी कंपनी के फर्जीवाड़े से परेशान थानों के चक्कर काट रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप यहाँ पर थाने के चक्कर क्यों काट रहे हैं? सर, मैंने जो एक कंप्लेन लिखाई थी 30/10/2017 को, तो वो मैं देखने आया हूँ कि हमारा FIR हुआ भी है या नहीं हुआ है, क्योंकि मैं सारे होम्स से पिछले, मतलब आप मान के चले करीब फरवरी मार्च से मैं काफ़ी परेशान चल रहा हूँ। मैं वहाँ पे जॉब करता था और मैंने 16 फरवरी 2017 को मैंने वहाँ से छोड़ा और इन्होंने बहुत ही गलत तरीके से मुझे वहाँ से हटा दिया, कंपनी से बाहर निकाल दिया। और हुआ यूँ कि हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जिनको इन्होंने गलत तरीके से इन्होंने पैसे लिए थे, कि इन्होंने टोकन मनी लिए थे और उन्होंने कहा था कि अगर बैंक लोन वगैरह नहीं होगा तो हम उनके पैसे वापस कर देंगे। ये पैसे वापस भी नहीं किए। बार बार जाने के बाद, मतलब मैंने शुरू में तो ये फ़ोन पे बात कर रहे थे, फिर ये फ़ोन पे बात करना भी बंद कर दिया, फिर मेल पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई। करीब मैंने करीब 150 मेल लिखा इन्होंने और एक दो बार ये लोग कभी कभी जवाब देते थे और फाइनली इन्होंने मेरा मेल भी ब्लॉक कर दिया। उसके बाद फिर मैं ऑफिस जाने की कोशिश किया, ऑफिस गए तो इन्होंने बाउंसर से धक्के मरवा के बाहर निकाल दिए। और अब तो ये स्थिति है कि जान से मारने की भी धमकी देते हैं और ये कुछ भी बोलने के लिए ना, ये इनके साथ मेरा कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। क्या आपने कार्रवाई करी, क्या पुलिस की तरफ से रिस्पॉन्स आया, अब तक कुछ बात सुनी गई? सर, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैंने 30/10/2017 को आप देख सकते हैं ये मैंने कंप्लेन किया था यहाँ पे, अभी तक ना ही मेरे पास पुलिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया, ना ही कभी उन्होंने फ़ोन किया कि आपका FIR भी हुआ है या नहीं। तो फाइनली मैं यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो SHO साहब, कभी नहीं हुई, ना इन्होंने बुलाया ना कभी इन्होंने जानने की भी कोशिश की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और हमारे लिए जो ब्रोकर्स काम किए थे उनके भी पैसे रखे हुए हैं, कस्टमर को जो इन्होंने कंपनी वालों ने गोल्ड के लिए कमिट किया था वो भी ये नहीं दे रहे हैं। कंपनी से आखिरी बात ये, हमारी फ़ोन ही नहीं उठाते करीब, मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 1.5-2 महीने पहले जब फ़ोन पे कम्युनिकेशन हो रहा था, फिर इन्होंने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। कंपनी का कोई एम्प्लॉय फ़ोन उठाता नहीं है, मेरा मेल ब्लॉक कर दिया है, ईमेल से भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ऑफिस के आगे जाके खड़ा होता हूँ तो उनके बाउंसर्स खड़े होते हैं, बोलते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट है कि नहीं, अगर नहीं है तो आप अंदर जाएंगे नहीं। अगर मैं जाने की कोशिश करता हूँ तो धक्के मार के बाहर निकालते, जान से मारने की धमकी देते हैं कि अगर ज़्यादा करोगे तो मैं मार दूंगा, तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सारी चीज़ें। पुलिस की लेकिन आपकी कोई बात सुनी नहीं जाती? मैंने कंप्लेन तो दिया है लेकिन अभी तक बात हुई नहीं है, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ, मैंने तो कंप्लेन पहले, इससे पहले भी मेरी रियलिटी मीडिया में बात हुई थी, जो कुछ इशू था कंपनी से रिलेटेड काफ़ी हेल्प मिला था। आगे मैं कोशिश करूँगा मीडिया और पुलिस के सपोर्ट से आगे बढ़ूँ। रियलिटी मीडिया पहले भी सारे होम्स के मारे हुए बायर्स और एम्प्लॉयज़ के साथ खड़ा था और आगे भविष्य में भी साथ खड़ा रहेगा। रियलिटी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।